हाय, आपका स्वागत है। और इसको आप पहचानते होंगे, पहली बार ये मैंने पहली बार मेरे ब्लॉग में आ रहा है। तो इसका नाम आयुष है। इसकी वॉइस पता नहीं, आज वीडियो में कुछ गड़बड़ हो गई, इसकी वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई थी। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक्टिवा 125 HO BS4 के साथ। तो चलिए आज इसी का रिव्यू करते हैं, मतलब कंपेरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं तो फ्रंट में आपको हेलोजन बल्ब मिल जाते हैं, नीचे इंडिकेटर विथ AHO, जो कि आपको AHO उसमें नहीं मिलता है। इसमें आपको ये जला के दिखाएं तो ये देखिए, ये जल गई। इसमें आप आते हैं तो इसमें आपको मिलता है हेलोजन बल्ब, इंडिकेटर। इसमें आपको AHO नहीं मिलता है, इसमें वही कमी है। वो बता रहे हैं कि इसमें पार्किंग लाइट है और मेरे में नहीं है। तो यही है फ्रंट में आपको टायर्स, इसका स्टील व्हील मिलेंगे और इसमें एलॉय व्हील्स BS3 में, और इसमें स्टील व्हील्स। इनका एक मॉडल लो है, इसमें एलॉय ये अलग से लगवाना चाह रहे हैं। तो अब इसके, अब चलिए इसके पीछे अब किलोमीटर देखते हैं, कौन किलोमीटर कितना चला है। तो अब चलिए किलोमीटर के पास आते हैं। तो किलोमीटर इसका इस गाड़ी के चल चुका है 4487, मेरे ख्याल से 87 होगा। हाँ, तो चलिए मेरा निशाना ठीक था, 87 लास्ट में। अब चलिए इसमें आते हैं। तो मेरी स्कूटी चल चुकी है 4471 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर का इधर उधर फ़र्क है। अब चलिए गाड़ी के पीछे चलते हैं, गाड़ी के पीछे देखते हैं क्या क्या है। तो गाड़ी के पीछे आपको मिल जाता है, दोनों में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं BS4 और BS3 में। बस सेंसर में आपको थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेंगे। सेंसर में क्या चेंजेस को देख रहे हैं, इसका पूरा एकदम नए स्टाइल का है। और मेरा जो इसमें ब्लैक वाला प्लास्टिक दिख रहा है, वो मेरा टूट गया था, इसके कारण मुझे वो स्टील वाला लगवाना पड़ा। मैं जानता हूँ उसको थोड़ा घटिया लग रहा है। तो ये आपका आ गया पकड़ने वाला, यहाँ पे आपको पॉलीथीन टांग सकते हैं। और नीचे आपको इसमें मिल जाएगा पॉलीथीन और हैंडलर, दोनों में आपको सीट के बाहर मिल जाएगा। एलॉय नहीं मिलते हैं क्योंकि एक मॉडल डाउन है, तो इसमें आपको स्टील भी मिलते हैं पुराने गाड़ी की तरह। और मेरे में एलॉय है, जो आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर में, लेकिन वो ब्लैक पहले सिल्वर था, वो भी हमने उसको खुद मॉडिफाई करके उसको ब्लैक किया हुआ है। आप चाहेंगे तो मैं उसको वीडियो भी बना दूंगा। अब इसका इंजन सब। तो यही था आज का नया ब्लॉग। चलिए फिर मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो चलिए, जब तक नई वीडियो नहीं, फिर सीबे पहना है, सुखी चलना है, धन्यवाद। और ये वीडियो मैंने थोड़ा फनी मूड में बनाया है, ऐसे ही आपको अगर थोड़ी साउंड आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो वो मेरा एक्टिवा चला रहा है कि टेस्ट कर रहा है कि कैसी चल रही है। तो यही ये आ गया अपना उसके साथ। तो चलिए, आपको ये बाय कर रहा है, इसकी आवाज़ पता नहीं रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो हम क्या करें। तो चलिए बाय।